ये बहुत जरूरी है। जहां तक अपने इनका सवाल है महावीर जी, मुझे लगता नहीं कि 24-25 साल से ज्यादा बड़े होंगे, आपकी उम्र क्या है महावीर भाई? 1990 का जन्म है, 16-10 1990 का जन्म। 1990 को जन्म में मैंने मैं अपना कॉलेज पास आउट कर गया था, ठीक है ना, तब आप पैदा हुए थे। नहीं, आपका आपका एमकेडी में कई दिन से स्वागत है, बहुत आपने अच्छा एक अच्छी सोच को जोड़ा है, जिसका आपको आने वाले वक्त में पता लगेगा कि इससे आपको क्या फायदा हुआ है अपनी निजी जिंदगी में। तो 189 नहीं पता लगा जिंदगी में पता लगा, तभी तो मैं मतलब आपको जो गालियां दे रहा था वो आदमी आज आपसे बात कर रहा है। गालियां आप मुझे देते थे, मुझे पता है आप मुझे गालियां देते थे, कोई बात नहीं, हर किसी से गलती होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपन इंसान है, जब तक इंसान अपनी गलती मान लेता है वही महान होता है, जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 213 लोग हो गए, अब आप अपना स्टार्ट कर दीजिए, 10 मिनट ही आपके पास है स्टेज, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को कहीं भी क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं अपनी उंगली उठाऊंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। आप क्या करते थे? नहीं, आप ही पूछेंगे और मैं सबका जवाब दूंगा आपको। अच्छा चलिए, आप ये बता दीजिए कि अब आज की तारीख में आप क्या करते हैं, क्या प्रोफेशनल क्या है आपका? नहीं, अभी तो खेती बाड़ी कर रहा हूँ और सारा काम धंधा जो भी आईटी सेल में जॉब करता था वो तो मैंने आज से 6-7 महीने पहले ही छोड़ दिया था। अच्छा, कौन सी आईटी सेल में आप काम करते थे महावीर भाई? अशोका रोड दिल्ली में, बीजेपी। बीजेपी में ये कैसे चलती है आईटी सेल, ये क्या होता है उसका मोडस ऑपरेंडी, इनका क्या, इनकी क्या सोच है और ये क्या क्या करवाते हैं, और वहां पे कितने लोग काम करते थे आपके साथ? 300 लोग थे पहले, प्रशांत किशोर भी था ना इसका हेड, जिसने उसके बाद अरविंद गुप्ता आया, हाँ कांग्रेस ज्वाइन किया, हम उसके साथ में ही थे, उसी टाइम में मैंने ज्वाइन किया था प्रशांत किशोर के साथ में। ठीक है, तो क्या करते हैं ये, मतलब क्या होता है आप लोगों का? उसके बाद में अरविंद गुप्ता जी आईटी सेल के अध्यक्ष बने थे, बीच में अमित शाह ने एक बार आईटी सेल भंग कर दी थी, फिर वापस ज्वाइन करवा ली थी, उसके बाद अभी अमित मालवीय जी। तो ये क्या होता है आप लोगों को? तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या मिलते हैं सुबह? मतलब वहाँ पे ये होता है कि सोशल मीडिया पे मतलब कब्जा करना रहता है इनका, कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, न्यूज वेबसाइट हो, जितने पेज हो, आर्मी वाले पेज हो, आर्मी फॉलोअर पेज, जो फैन पेज होते हैं ना, वो सारे हर किसी का फैन पेज बना लेते हैं जिसका भी ट्रेंड चलता होता है, और उससे अपना बीजेपी का प्रोपगेंडा चलाना उनका मतलब मेन मकसद रहता है, कि वोटों में कन्वर्ट करना है सबको किसी भी तरह से, भले ही उसके लिए सांप्रदायिकता कुछ भी लिखना पड़े, एक्स वाई जेड, कुरान, रामायण, महाभारत, कुछ भी छेड़ना पड़े। आप लोगों की, अगर मैं पूछ सकता हूँ, आपको नहीं बताना है मत बताइएगा, आप लोगों को कितना रुपया महीना मिलता था इसका? 30,000 मेरे को मिलता था, बाकी कई लोगों को ऊपर की पोस्ट को ज्यादा भी मिलते हैं, 30 करोड़ों खर्च होता है इसमें, 30,000 रुपए महीना, 300 आदमियों पे करोड़ों अरबों खर्च होते हैं, मतलब 300 आदमी अगर हैं तो अपन लें कि 20,000 भी पड़ रहा है तो 6 लाख रुपए महीना, 6 लाख ही हुआ ना? नहीं, 30,000 का, 30,000 पर आदमी को, 300 आदमी को, प्लस खाना खर्चा, रहना, गाड़ी भाड़ा, जो भी जितना भी मेट्रो सेट्रो में लगता है वो सब। अच्छा, मेट्रो कार्ड भी मिलता है ना? अच्छा, तो ये जो प्रोपेगेंडा होता है, इस प्रोपेगेंडा को कराने से क्या फायदा होता है बीजेपी को? वोट में कन्वर्ट कराने, बस देश में लोगों, ऐसा माहौल बनाना है देश में कि जैसे मतलब हिंदुओं में डर पैदा कर दो मुसलमानों का, और मुसलमानों में डर कर दो हिंदुओं का, और जाटों में कर दो दलितों का, दलितों में कर दो जाटों का, जाटों में राजपूतों का कर दो, राजपूतों में जाटों का कर दो, ऐसा माहौल बनाते हो। क्योंकि इस पे, इस मामले में मेरे पर एक केस भी चल रहा है, मेरी वजह से, एक पोस्ट की वजह से, या हमारे पड़ोस में, जैसे ये हमारे यहाँ पड़ता है इस नागौर तहसील में डेगाना में, मेरे कारण 2012 में एक दंगा हो गया था, हालांकि जान नुकसान नहीं हुई थी किसी की, माल नुकसान हुआ था। ये जो दंगे का प्रोपेगेंडा होता है, ये जो दंगों का प्रोपेगेंडा होता है, ये कैसे कराते हैं, सोशल मीडिया से कैसे होता है दंगों का प्रोपेगेंडा? अभी समझिए, जयपुर में दंगा करवाना, अब मान लो किसी के भी मतलब कुरान के ऊपर सबसे उल्टी लिखो, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई भावुक ज्यादा होते हैं और हिंदू भाई कम भावुक होते हैं, हिंदुओं के लिए कुछ भी लिख दो आप उतने भावुक नहीं होंगे जितने हमारे मुसलमान भाई हो जाते हैं, इनकी पता नहीं हो सकता है ये हमारे से दिमाग में या तो होशियार है या कमजोर है इस मामले में। देखिए, ये इसलिए होता है, ज्यादा भावुक हो जाते हैं आदमी जब बहुत इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है ना किसी आदमी में, वो ज्यादा भावुक होता है, जब आदमी अपने में होता है ना, बहुत सॉलिड होता है, सक्षम होता है पैसे से, वो भावुक नहीं हो सकता इतनी जल्दी। ठीक है, हाँ वो तो नहीं हो सकता, लेकिन गरीब आदमी यूज होता है इसमें सबसे ज्यादा, भावना में धर्म का डर सबसे ज्यादा गरीब आदमी को होता है, अमीर के लिए कोई लागू नहीं है। सही बात है।
तो आप अमीरों को मैंने ऐसे ऐसे अमीरों को देखा है कि कोई किसी में शादी करता है, कोई किसी में करता है, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। गरीब आदमी किसी ऑथर गोत्र से भी शादी कर लेता तो घर में ऑब्जेक्शन उठ जाती। लोग जैसे आप लोगों की क्या होती थी, सुबह आप लोग कितने बजे पहुंचते हो वहां पे, फिर आप लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि आज तुम्हें ये पेज, आप जैसे पर्सनली कितने पेजेस में करते थे पोस्ट कि लोगों के बीच में ये जो सांप्रदायिकता फैलाई जाए, कितने पेजेस आपके हाथ में थे? बहुत सारे पेज हमने तो बहुत सारे, अभी मैं आपको नाम बता दूं, ऐसे मुल्ला सुल्ला टाइप के बहुत सारे पेज बना रखे थे हमने तो। अच्छा, वो आप लोग बनाते हैं इसके अंदर, कोई भी मुसलमान नहीं बनाता ये पेज, आप लोग बनाते हैं ये पेज और ये क्रिएट करते हैं? हम वहाँ बीजेपी आईटी सेल के बनाते हैं सारे लोग, जितने भी, एक दूसरे का क्रॉसिंग शेयर भी करते हैं। जैसे इनका सबसे बड़ा पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, 1.5 करोड़ लाइक है उस पेज भी। उस पेज के क्रिएटर में, एडमिन में मैं भी शामिल रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोग मतलब मॉर्निंग में कितने बजे काम शुरू करते हैं? जैसे सुबह 8 बजे से शुरू कर देते हैं? सुबह 10 बजे शुरू करते हैं, शाम को 8 बजे बंद कर देते हैं। शाम को? अच्छा, कई लोगों के जो लाइव जाते हैं उन लोगों के ऊपर भी आप अभी लोग? अभी हमारे अभी अभी हमारे जो मेरे को सबसे पहले बीजेपी आईटी सोल में जो नौकरी लगाए थे, वह लोग सोलंकी जी मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, देखिए साहब, जो भी है ये देश हित की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी हित की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है आलोक भाई साहब? तो देश पहले आता है, कोई भी पार्टी बाद में आती है, नहीं, इनको इनको पता है, इनको पता है, सब अच्छी तरह से पता है आलोक भाई को। क्योंकि देखिए जान माल का, गरीब का ही नुकसान होता है। अमीर जो अंबानी साहब लोग हैं और ये लोग तो बैठे रहेंगे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खेत खलियान उन्हीं के जलेंगे, गरीबों के जलते हैं, गरीब ही तकलीफ में है। तो अब क्यों है तकलीफ में, इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सिर्फ अज्यूम कर लेना कि बीजेपी ऐसे करा रही है, ये कर रही है, इससे फायदा नहीं होगा। अब तो बीजेपी के आईटी सेल में जिन्होंने 3 साल नहीं, काम बीजेपी किया, नहीं, सबकी आईटी सेल है। बीजेपी आईटी सेल की कोई बात नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की बिल्कुल भी आईटी सेल है। जैसे हमारे एक आपके आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी एक दोस्त होंगे, कोई टाइम में यूट्यूब ब्लॉगर थे, अभिषेक मिश्रा जी। हाँ, मेरे फ्रेंड लिस्ट में है अभिषेक। हाँ, वो कांग्रेस की आईटी सेल हैंडल करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की आईटी सेल अंकित कुमार हैंडल कर रहा है अभी। थलवा क्लब इंसिस पोस्ट नाम की एक वेबसाइट है, इंसिस पोस्ट न्यूज ट्रेंड डॉट न्यूज। कमाल की नॉलेज है आपको यार, सॉलिड। आपकी आपकी ये नॉलेज से अच्छा, आज की तारीख में जब जब युवा वहां पे 3 साल काम कर लिया और बीजेपी अभी में, अभिषेक अभी अभिषेक भाई की चल रही है वायरल इन इंडिया डॉट नेट। ठीक है कोई बात नहीं, अपन उनकी बात नहीं कर रहे, अभी अपन बीजेपी की बात कर रहे हैं। आप ये मुझे बताएं कि अब 3 साल आपने वहां पे निकाल दिए, अब आपके 3 साल वहां पे आपने क्या कमाया, क्या खोया? खोई तो इंसानियत थी, बाकी कमाया तो कोई काम का नहीं है पैसा, उससे कुछ नहीं होना है। 30,000 से कुछ भी नहीं होना है। इंसानियत खोई थी। जमीर बेच के इंसानियत खोई, ये बात है सबसे बड़ी बात है, इंसानियत खोई। और अंदर से मतलब है, कई बार तो ऐसा रोना आ जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो पाप की जो बात होती है अपने हिंदुइज्म में होता है ना कि पाप की, हाँ, जो हाँ वो कि अगले जन्म का क्या सजा मिलेगी, लेकिन अगला वगला कुछ भी नहीं है, यहीं पे मिल जाएगी जो मिलनी है। नहीं आपको कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि आपने दिल खोल के बात करी है और लोगों को बताया है। अभी 900 लोग देख रहे हैं आपको, 858 लोग, इसमें कोई भी आपको बुरा नहीं कहता है, कोई, सबका काम होता है, सबका बिजनेस था। आपने भी कोई बिजनेस चालू किया, आप उसको समझ गए कि बिजनेस गलत है और आपने बिजनेस को बंद कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैंने खुद का भी एक वेबसाइट बना रखा था उस टाइम पे, बीजेपी आईटी सेल में था। भारत की टॉप 100 वेबसाइटों में एलेक्जा में शामिल हो गई थी, जो अमेजोन की एलेक्जा काउंटिंग एलेक्सा, करती है। उसमें उसका नाम था awarepress.com। मैंने वो बंद ही कर दी पूरी। अब आज की तारीख में जो हिंदुस्तान का युवा है, आप उनको क्या कहना चाहोगे जो ये सब करते हैं? क्या मिलता है इससे, क्या है, नहीं, मतलब क्या इससे देश टूटेगा या कुछ भी नहीं जुड़ेगा? मिलना, जितना कुछ भी नहीं जुड़ेगा इनका। मतलब बहुत भयंकर आने वाले टाइम में परिणाम दिखने पड़े। वैसे आज परिणाम इन लोगों को दिख ही रहा है कि जैसे तालिबान ने वहां अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी थी, वैसे ही आज दक्षिण भारत में हो ही रहा है। आज सुबह से वहां 13 जिलों की ब्लॉकिंग लग रखी है, इंटरनेट विंटरनेट सब बंद है त्रिपुरा में। अच्छा एक बात बताइए, जब ये इंटरनेट बंद हो जाते हैं तो उस टाइम बीजेपी का जो आईटी सेल है वो किस तरह काम करता है? समझिए इंटरनेट अभी बंद कर दिए त्रिपुरा में, तो अब इनका क्या काम अशोक करता अशोक 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 अशो रोड में इंटरनेट बंद नहीं होता है, और खाली इंटरनेट अभी त्रिपुरा त्रिपुरा की बंद हुई है और पूरे भारत में चालू हो रही है। तो इन लोगों को मेन टारगेट अभी, जैसे ये मूर्ति वाला कांड हुआ है ना, तो इन लोगों को किसी भी तरह से उसको मतलब गद्दार भारत से बाहर का कैसे भी घोषित करना है, उसको लेने इनको। है? अच्छा ये क्या प्रोपेगेंडा होता है महावीर भाई कि अपने और इनका वर्तमान इनका में, मूल मकसद क्या है कि भारत भारत के इतिहास को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के, किसी भी तरह से उल्टा सीधा मनमर्ज लिख के भी पेश कर दो, बस लोगों में वो दिमाग में बार बार
जैसे ना मैं एक आदमी को अच्छी तरह फॉलो करता हूँ जिनका नाम था राजीव दीक्षित जी, तो वो बात बोलते थे कि जिनको बार बार एक ही चीज को आप 100 बार 500 बार 1000 बार दिखाओगे ना, तो वो लास्ट में आपको सच लगेगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी अभी मेरे पहली वाली पोस्ट में काफी लोग आ रहे थे कि भाई तुम मुसलमानों के साथ हो गया, मार देंगे, काट देंगे, फलाड़ देंगे। तो ये कई गांव में तो ये हमारे यहाँ मुसलमान है नहीं, तो वो लोग भी फेसबुक पे जुड़े होते हैं ना, वो सोचते होंगे सारे ही गंदे होंगे। मतलब उनके दिमाग में बार 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 ये चीज बिठाएंगे, तो वो सोचेंगे कि सारे मुसलमान गंदे हैं, जबकि मेरे घर के पड़ोसी सारे मुसलमान है, मेरा मोहल्ला ही मुसलमान। सबसे बड़ी आपको मैंने होली के दिन एक चीज भेजी थी जी बहुत बढ़िया। कि मेरे गांव में होली का प्रोग्राम राजस्थान का सबसे बड़ा टॉप प्रोग्राम होता है, अगर आप राजस्थान टूरिस्ट में आते हैं होली के टाइम में मेरे गांव नहीं आ सकते, तो आपका 90% टूरिस्ट कोई काम का भी नहीं रहता। आपको भाईचारा देखना होता है तो एक बार यहाँ, वो मुसलमान होली करवाते हैं यहाँ। वाह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया गया था बीजेपी आईटी सेल में कि हिंदुस्तान का मुसलमान देशद्रोही है, ये क्यों था, कि कैसे सेटअप किया था, क्या रीजन था इसका, ये बोलने का बात था ये देशद्रोही है। सेटअप तो इन लोगों ने नहीं, जैसे एक दो आतंकवादी सब जगह होते हैं, जैसे अभी इनमें भी एक दो दीक्षित विकसित पकड़े गए थे मध्य प्रदेश में, तो उनकी तो बात होती तो है। ये लोग है ना कि ये उनकी नहीं होती ना, ये लोग मामूली सी कोई गलती होती है ना उसको बढ़ा चढ़ा के पूरे समाज पे थोपने का काम करेंगे। अभी आप हरियाणा में देख लो, इनके बस का चला नहीं हरियाणा में, पूरे हरियाणा में हिंदू मुसलमान तो इनके बस का हुआ नहीं, तो जाट ऑथर करवा दिया। जो हरियाणा में जाट और इनका हुआ था पूरा का पूरा, जो मरुथल जगह है ना मुझे याद है, जैसे मरुथल वहां पे क्या प्रॉब्लम था, हाँ बिल्कुल, वो क्या था। वहां कोई कांड भी नहीं हुआ, वहां कोई कांड नहीं हुआ, सारा प्रोपगेंडा फैलाया गया था। एक तो कोई पत्रकार था जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं है, उसने एक न्यूज छापी थी कि यहाँ रेप वेप हुआ, जबकि उसका कोई विक्टिम नहीं बोला अभी तक। नहीं कुछ एनआरआईज थे जिनकी जिनकी लेडीज का रेप तो हुआ था, कुछ एनआरआईज लेडीज थी जिनका नहीं रेप नहीं हुआ था। बिल्कुल हाँ टीवी पे आई थी। हो सकता है, लेकिन ये नहीं, ये मुरतल कांड वाला था, ये एकदम पूरी तरह से प्रायोजित था, ये पूरा मीडिया आईजेक करके मीडिया में ये सारा करवाया था। हालांकि आपको पता हो रवीश ने नहीं दिखाया, बाकी सब चैनल ने दिखाया इस चीज को। अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए, ये जितने भी हिंदूवादी पेज चल रहे हैं आज की तारीख में, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सब करते हैं, ये क्या है, इन लोगों को बीजेपी आईटी ये से सारे कोई सपोर्ट सारे है क्या। सा, आ, सारे सारे अशोक अरोड़ से चलते हैं, हिंदू राष्ट्र से, हिंदू अखंड राष्ट्र, फलाना आर्यावर्त, भारत खंड, ये जितने भी अलग अलग जितने भी पेज चलते हैं ना, लगभग बीजेपी आईटी सेल से 20,000 पेज चल रहे हैं अभी, और जिनकी टोटल की लाइक कम से कम अरबों में, नहीं अच्छा आर्मी के मुझे नाम से भी नहीं, आर्मी के नाम से भी 40-50 पेज चल रहे हैं। आर्मी के नाम से, हाँ जी, इंडियन आर्मी, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी, ऐसे करके भारतीय सेना, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, सब में, जिन पे 50-50, 20-20, 13-13, 40-40 लाख फॉलोअर है ये तो बहुत खतरनाक है मामला। पूरी। मतलब जब मैं बोलता हूँ मार्क जुकरबर्ग जब तक इन पे वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट एंट्री नहीं करवाएगा, जब तक कि फेसबुक बिना पासपोर्ट के या आधार कार्ड के फेसबुक ही नहीं बनेगा, तब तक ये फर्जीवाड़ा बंद नहीं होगा। मेरे पास 200 लॉग इन है अभी, मेरे पास खुद के देखो पास। देखो महावीर भाई, मार्क जकरबर्ग ज्यूइश आदमी है, ज्यूइश आदमी लोग क्या है कि उन लोगों के लिए बिजनेस, क्योंकि उसको बिजनेस से मतलब है ना, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज बिजनेस होती है, धंधा। अब उनको डेढ़ सबसे बड़ी उनको धंधा। 130 करोड़ मतलब 100 करोड़, 80 करोड़, 70 करोड़ अगर एक जगह अकाउंट मिल रहे हैं, वो क्यों बंद करेगा, वो नहीं बंद करेगा मगर अपने आप को क्यों बंद सुधारना। करेंगे? मुझे एक विज्ञापन, चीज बताओ, विज्ञापन, सारा खेल विज्ञापन का है ना। हाँ सारा खेल अच्छा मुझे दूसरी बात है ना, बीजेपी आईटी सेल का, बीजेपी आईटी सेल का खर्चा ही भी खर्चा जो निकलता है ना, अशोक अरोड़ में जितने कर्मचारी काम करते हैं उनका खर्चा भी इंटरनेट से ही निकाल लेते हैं, गूगल विज्ञापन से, एडसेंस से। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये छोटे मोटे जो अपने आज की तारीख में हिंदूवादी पेज चलते हैं, मैं अभी हिंदुओं की बात करूंगा क्योंकि आप और मैं हिंदू हैं और हमें अपने घर की सफाई करनी है, जितने मुस्लिम हैं वो भी हाँ कुछ मैं अपने बोल घर रहा की हूँ ना, सफाई करें। इन मुस्लिम भाइयों को मैं कई बार पोस्ट लिखता हूँ कि मुस्लिम भाइयों, जो जो भी मैं पोस्ट लिखूँ ना, मेरी आईडी में अगर सार्वजनिक पोस्ट हो तो उस पे आओ, अगर मैं अपने परिवार की, अपने समाज की सफाई कर रहा हूँ तो उस पे आप कमेंट मत करो। आप अपने समाज की सफाई करो, हम अपने समाज की सफाई करेंगे, तब पूरे देश की सफाई होगी। यही सही। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ये कुछ पेज चलते हैं जैसे उपदेश राणा का पेज है, अमित जानी का है और इनके पेज, इनको भी सपोर्ट है क्या बीजेपी आईटी सेल से। बीजेपी आईटी सेल प्रमोट करती है ना इनको यूट्यूब से, इनके वीडियो जितने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं इनके, इनके जितने वीडियो डाले जाते हैं वो भी इनके ही है, आईटी सेल से चलते हैं, अलग अलग नाम से। अलग नाम से कैसे चल सकते हैं, अभी जैसे इसके अंदर उपदेश भाई का कोई वीडियो आता है जो बहुत ही तड़कता भड़कता वीडियो है, इनके लाइव पे एक हाँ साथ 5-5 हजार 6-6 हजार आदमी कैसे जुड़ते हैं इनके लाइव पे, क्या है चक्कर। वो सब शेयरिंग करवाते हैं,
आपके भी जुड़ जाएंगे, जैसे आप अभी लाइव चल रहे हो तो आप अपने मतलब स्ट्रॉन्ग टीम का एक ग्रुप होता है कि आप सब लोगों को, जैसे अभी मैं हमने एक ट्रीटमेंट किया था गुजरात में हार्दिक पटेल के पेज पे, एक एक साइड में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अहमदाबाद से लाइव चल रहे थे, एक साइड में हार्दिक पटेल लाइव चल रहा था, मोदी जी के पेज पे 4 करोड़ लोग जुड़े हुए जिसमें 4600 लोग लाइव देख रहे थे, और हार्दिक पटेल के पेज पे 8 लाख लोग जुड़े हुए जिसमें से 65 लाख लाइव देख रहे थे, 65 लाख नहीं सॉरी 65 हजार। और ये रियल में लाइव देख रहे होते हैं या एक इल्यूजन है लाइव का, ये रियल में होता है कि? नहीं, रियल में, ये रियल में होते हैं, जैसे अभी आपके चलते हुए लाइव में नीचे शेयर का बटन आ रहा है उसपे, वो क्या करते हैं कि 30 30 ग्रुप ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप 30 ज्वाइन कर लो जिसमें पब्लिक पोस्ट जा रही हो, अभी आपकी लाइव चल रहा है नीचे शेयर का बटन आ रहा है, इस पे शेयर पे बटन पे करते ही नीचे शेयर ग्रुप ऑप्शन आता है, हाँ इस पे ग्रुप पे आते ही 30 के 30 ग्रुप आ जाएंगे एक साथ में, टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप मार कर दो 30 ग्रुप में चली जाएगी, और 30 ग्रुप से सारे लोग एक साथ में आपकी आईडी में जितने लोग देख रहे हो अचानक बढ़ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इतने लोग कहाँ से आ गए। तो इसकी तो टाइमिंग भी होती होगी ना कि अब ये मैं 6 बजे करूंगा, मैं 7 बजे करूंगा, जैसे शाम को 8 बजे करूंगा जब लोग वो सब करते हैं। पहले वो सब पहले सेटिंग करनी होती है, जितनी अपनी आईटी टीम होती है सबको बोलने, वो क्या है जैसे आपको बताऊं कि आईटी सेल में साथ में मोबाइल भी दिए जाते हैं, 10 10 मोबाइल पर बंदे के पास रहता है और 10 10 आईडी लॉगिन रहती है। अब आपको मैं एक उदाहरण दूं कि मेरे पास 10 आईडी है, 5 5 हजार उसमें फ्रेंड हुए, कितने हुए, सही है, ये तो बहुत नंबर्स तो बहुत बड़े हो गए। और 2 2 3 3 लाख मेंबर के, 5 5 7 7 लाख मेंबर के ग्रुप बना रखे हैं, उन ग्रुपों में 30 ग्रुप हमने मान लो 10 मोबाइल से 10 आईडी से 30 ग्रुप ज्वाइन कर लिए, और 30 ग्रुपों में 3 3 लाख से काउंटिंग करो कितने आदमी जुड़े, 3 2.5 3 करोड़ आदमी तो ग्रुपों में हो गए एक साथ में, मैं 10 मोबाइल से आपकी लाइव को शेयर करूंगा 10 मोबाइल से डपा डप डपा डप, और 300 आदमी एक साथ 10 मोबाइल से करेंगे तो कितना हुआ, अचानक ट्रैफिक आ जाएगी। 1 मिनट में आपको रोकूंगा रान भाई, मैं अभी बात कर रहा हूँ इनसे, मेरी बात का जो एक वो है वो मूव है वो टूट जाएगा और एक साथ फिर ये जुड़ेंगे भी नहीं, तो मैं पहले इनसे बात कर लूँ फिर अपन बात कर लेंगे। अच्छा, जितनी भी ये आईडीज बनती है जो फेक आईडी होती है जिसमें ये लोग देवी देवताओं की फोटोग्राफ लगा देते हैं महावीर जी, तो उसका कैसे होता है? बना लेते हैं ना, आपकी भी बना लेता हूं मैं, जैसे मेरे को बनाना हो आपकी आईडी की, अभी डांडिया एक ब्रांड है इनकी आईडी बना लो, भले ही अभी डांडिया को पता ही नहीं कि मैं फेसबुक पे नहीं हूं। नहीं, ये फेक आईडी की जो जैसे देवी देवताओं की फोटोग्राफ लगाते हैं और बाकी इनका कुछ नहीं होता, हम देखते हैं अंदर जाके, ये फेक आईडी होती है क्या? हाँ लगभग फेक ही होती है, जिसमें फ्रेंड और खुद की निजी विचारधारा नहीं होती है, वो लगभग हर आईडी फेक ही रहती है। ठीक अब है, आपकी फ्रेंड लिस्ट में, जैसे मैंने आज मेरी आईडी की सुबह सफाई की थी, उसमें से 300 लोगों को हटाया था जिनकी आईडी में प्रोफाइल और कवर के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है जितने लोग हैं जो देख रहे हैं कि कैसे हाँ फेक आईडी को मैं सर्च। जितने लोग देख रहे हैं ना, कि सबसे पहले तो मैं जितने लोग अभी एक एक भाई साहब आपकी फ्रेंड लिस्ट में जिनकी आईडी एक हुई थी थोड़े दिन पहले, उसके आगे नाम उल्ला मुल्ला कर दिया कुछ, हाँ, अतिश्याम भाई, हाँ तो उनकी आईडी को हैक कैसे किया वो भी बता दूं। उनकी आईडी में क्या था कि अबाउट में मोबाइल नंबर दिख रहे थे उनको सार्वजनिक रूप से सबको, कई कई आईडी है ना प्राइवेसी नहीं करते तो मोबाइल नंबर सामने दिख जाते, और सबसे ज्यादा ग्रामीण आदमी जो नया फेसबुक आता है ना मोबाइल नंबर कोई पासवर्ड रख लेता है, करेक्ट। और वो मेरे को आपका मोबाइल नंबर दिख गया, मैं मोबाइल नंबर उठाया कॉपी मारा और दूसरे मोबाइल में लॉगिन मारा, पासवर्ड भी वो सेम लगाया, खुल गई तो हमारी नहीं तो जयराम जी की। तो आपको आपको मैं है ना दिखा आपको मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास 300 आईडी पड़ी है अभी, तो ये जबकि मैंने उनमें कोई छेड़खानी नहीं की है, सीधा मोबाइल नंबर से लॉग इन करके छोड़ रखी है कि ये आईडी मतलब इतनी सिक्योर नहीं है, और वो खास करके मेरे गांव की है, लगभग 150 आदमी तो मेरे गांव के उसमें। ये तो बेरोजगारी ज्यादा लाएगा ना कि रोजगार के लिए, ये तो इस तरह तो दो दो साल रोजगार काम। कुछ रोज रोजगार कुछ भी नहीं है, अब रोजगार तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और इसका है ना जितना ये आईटी सेल जितना भारत के नुकसान कर रही है ना, उतना तो पाकिस्तान से 3 4 बार हमला हो जाए तो भी नहीं होगा, ये आंतरिक नुकसान बहुत भयंकर हो रहा है। ये बात आप लोग बहुत जरूरी है समझना, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात अपने देश की है, ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं, ये हिंदू अपने देश मुसलमान की। की हिंदू मुसलमान की होती तो मैं आपसे नहीं जुड़ता, आज से 6 महीने पहले तक मैं आपके इनबॉक्स में आपकी आईडी पे कितने कमेंट पे